नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कुछ दिनों से बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विनर एल्विश यादव खूब सुर्खियों में छाए हुए हैं। इसका कारण ये था कि यूट्यूबर पर रेप पार्टी और पार्टियों में सांप सप्लाई करने का गंभीर आरोप लगा था। ऐसे में अब रेप पार्टी, स्नेक वेनम और साथ ही एल्विश कनेक्शन को लेकर तफ्तीश तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस ने एक पार्टी में सांप के जहर के संदिग्ध इस्तेमाल को लेकर यूट्यूबर एवं बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता एल्विश यादव से मंगलवार देर रात पूछताछ की। वहीं पशु चिकित्सा विभाग की जांच में व्यक्तियों के कब्जे से छुड़ाए गए सभी 9 सांपों में जहर ग्रंथियां गायब थी। रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी के विजेता यादव वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों और साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 120B के तहत आपराधिक साजिश को लेकर पिछले सप्ताह यहां दर्ज की गई प्राथमिकी में नामजद 6 व्यक्तियों में से एक है। नोएडा पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एल्विश यादव जांच में शामिल हुए। वो मंगलवार देर रात करीब 11:30 बजे थाने पहुंचे, फिर उनसे करीब 3 घंटे तक पूछताछ की गई और जाने दिया गया। उन्हें फिर बुलाया जाएगा आगे और पूछताछ के लिए भी। पुलिस मामले में गिरफ्तार 5 लोगों की हिरासत के लिए पहले ही आवेदन कर चुकी है। जांच समिति के प्रमुख डॉक्टर निखिल वार्ष्णेय ने बताया कि पशु चिकित्सा विभाग ने अपनी जांच में पाया है कि 5 कोबरा समेत सभी 9 सांपों में पॉइजन ग्लैंड गायब था। पॉइजन ग्लैंड यानी कि जो वहां पे सांप के अंदर जहर कलेक्ट होता है, जिन्हें 3 नवंबर को आरोपी व्यक्तियों के कब्जे से छुड़ाया गया था। उन्होंने कहा कि इसके अलावा बचाए गए 9 सांपों में से 8 के दांत गायब थे। वन विभाग की ओर से हमें जांच करने के लिए कहा गया था और हमने आगे की कार्रवाई के लिए अपनी रिपोर्ट उसे सौंप दी है। प्रभागीय वन अधिकारी प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि उनके विभाग को पशु चिकित्सा विभाग से जांच रिपोर्ट मिल गई है और अब इसे आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा। श्रीवास्तव ने बताया कि 9 सांप हमारे पास थे और आज हमने अदालत से अनुमति लेने के बाद उन्हें सूरजपुर जंगल में छोड़ दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि 5 लोगों को 3 नवंबर को सेक्टर 51 के एक बैंकेट हॉल से गिरफ्तार किया गया था और उनके कब्जे से 5 कोबरा सहित 9 सांपों को छुड़ाया गया था। उनके कब्जे से 20 मिलीलीटर सांप का संदिग्ध जहर भी जब्त किया गया था। पुलिस उपायुक्त जोन प्रथम हरीश चंद्र ने भी बताया कि एल्विश को पूछताछ के लिए आज दोबारा बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि एल्विश से मिली जानकारी के आधार पर वैज्ञानिक विधि और अन्य साक्ष्यों के आधार पर इस मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने कहा कि यूट्यूबर पार्टी हॉल में मौजूद नहीं थे। हालांकि सांप के जहर के इस्तेमाल के पूरे मामले में उनकी भूमिका की जांच की जा रही है, जिसका खुलासा पशु अधिकार समूह PFA पीपल फॉर एनिमल्स ने किया था, जो कि मेनका गांधी की संस्थान है। अधिकारी के अनुसार एल्विश से पुलिस उपायुक्त हरीश चंद्र, अपर पुलिस उपायुक्त शक्ति मोहन अवस्थी, सहायक पुलिस उपायुक्त रजनीश वर्मा, थाना सेक्टर 20 के प्रभारी निरीक्षक DP शुक्ला सहित पुलिस के कई अधिकारियों ने पूछताछ की। इस बीच वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जहरीले सांपों को सूरजपुर स्थित जंगल में छोड़ दिया गया है। बरामद 9 सांपों की सोमवार को वन विभाग के चिकित्सकों ने मेडिकल जांच की थी। वन विभाग ने सांपों को छोड़ने की अर्जी अदालत में पेश की थी। अदालत के आदेश पर सभी सांप जंगल में छोड़ दिए गए हैं। खैर, ये थी पूरी खबर। आप इस पर अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर शेयर कीजिएगा। बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या वाकई में इस पूरे केस में एल्विश का इन्वॉल्वमेंट निकल कर आएगा या फिर नहीं आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी अंशिका शर्मा के साथ, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ नेशन पर। धन्यवाद।